इंदौर साइबर क्राइम द्वारा पीथमपुर से विदेशों में एक्सपोर्ट कर रही कंपनियों के डिजिटल सिग्नेचर का अनाधिकृत उपयोग कर 2 करोड़ रुपए की ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट बेचने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को साइबर सेल ने हिरासत में लिया। अन्य कंपनी संबंधित आपराधिक मामलों में पूछताछ की जा रही है। जी हां, मामला साइबर क्राइम संबंधित है, जिसमें बकायदा डिजिटल सिग्नेचर कर करोड़ों का गबन किया गया। इंदौर के नजदीकी पीथमपुर से कैप्सूल कवर व भारी वाहन बनाकर एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी एरावत फॉर्म वह वोल्वो आयशर कमर्शियल मोटर इन दिनों ही कंपनियों के साथ ये 6 आरोपी ने 2 करोड़ की ड्यूटी क्रेडिट बेचने का मामला सामने आया। अपराधियों द्वारा मुंबई व पुणे से जुड़े हुए हैं और उन्हीं के द्वारा नामी गिरामी कंपनी को 2 करोड़ रुपए के क्रेडिट स्क्रिप्ट बेची गई है। क्रेडिट स्क्रिप्ट एक प्रकार की कंपनी को विशेष तौर पर दी जाने वाली 2 से 5% तक की निर्यात छूट ऑनबोर्ड निर्यात कंपनी को दी जाती है, जिसे कंपनी अपने स्तर पर इन क्रेडिट स्क्रिप्ट का उपयोग कर सकती है। लेकिन इन 6 आरोपियों ने डिजिटल सिग्नेचर कर कंपनी को धोखा दिया, जिसके तहत साइबर क्राइम ने मामला दर्ज कर आरोपियों को पकड़ा है। खैर, आने वाले दिनों में इस तरह से कंपनी को धोखा देने वाले अन्य आरोपियों तक साइबर की पुलिस पूछताछ कर पहुँचने की कोशिश कर रही है। देखिए, विगत दिनों इंदौर की एरावत फार्मा और पीथमपुर की वॉल्वो आयशर कमर्शियल मोटर्स, इन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई थी राज्य साइबर सेल के इंदौर जोनल ऑफिस में कि उनकी जो ड्यूटी क्रेडिट स्लिप थी, जो वो एक्सपोर्ट करते हैं, उन उस एक्सपोर्ट के प्रमोशन के लिए उनको केंद्र सरकार ड्यूटी क्रेडिट स्लिप देती है, और वो ड्यूटी क्रेडिट स्लिप डिजिटल सिग्नेचर, जो डिजिटल हस्ताक्षर होता है, उससे प्रमाणित होती है। तो वो उनकी जो ड्यूटी क्रेडिट स्लिप थी वॉल्वो आयशर की 1.67 करोड़ की और 37 लाख की एरावत फार्मा की, वो अनाधिकृत रूप से किसी ने खुले मार्केट में बेच दी है। इस बात की शिकायत की जांच करने पर और इसको सही पाया गया तो इस पर अपराध कायम किया गया, और अपराध की विवेचना के दौरान हमने इस गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये जो ड्यूटी स्क्रिप्ट बिकी थी, ये जो पैसा है, ये पूना की एक कंपनी में और इंदौर की एक कंपनी में आया था। इंदौर की जो कंपनी थी उसका नाम था AS पैसा वाला, और पूना की जो कंपनी थी उसका नाम था KP टेक इम्पैक्स। तो इन दोनों कंपनी के कर्ताधर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही जिन लोगों ने इसको बिकवाने में भूमिका निभाई है उनको भी गिरफ्तार किया है। और अभी अभी हमें आधा दर्जन से ज़्यादा जो पूना बेस्ड ये गिरोह के कुछ और सदस्य हैं, उनकी अभी हमें तलाश है। देखिए, अभी तक हमने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 6 आरोपियों के अगर आप नाम जानना चाहें तो हिमांशु, अभिषेक, आशुतोष, मनोज, राजेश और हर्षद, और शेष आरोपी, आधा दर्जन से ज़्यादा आरोपियों की अभी हमें और तलाश है। सर, जो 6 आरोपी पकड़ा, इनकी भूमिका इस पूरे मामले? देखिए, इसमें जो एक कंपनी है इंदौर की AS पैसे वाला, इस कंपनी के खाते में लगभग 80 लाख रुपये ये जो स्क्रिप्ट बेची गई उसका पैसा आया था। तो एक तो ये जो इससे जुड़े लोग हैं, जैसे हिमांशु जैन है, आशुतोष श्रीवास्तव है और अभिषेक सिंह है, ये इस कंपनी के कर्ताधर्ता हैं, डायरेक्टर्स हैं। इसी तरह से जो पूना की कंपनी है KP टेक इम्पैक्स, उसके मनोज लुंकड़, उसको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही बीच के दलाल जो हैं, जिसमें राजेश दत्ताप और हर्षद गोकड़े, इनको भी गिरफ्तार किया गया। सर, जो ये कंपनियां हैं, इन कंपनियों का मूल काम क्या था, किस तरह से? देखिए, ये जो कंपनियां हैं, जैसे AS पैसा वाला जो इंदौर की कंपनी है, वो इन तीनों लड़कों ने मिलकर बनाई थी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, निवेश लेने के लिए। और जो KP टेक इम्पैक्स है, ये एक्सपोर्ट भी करती है और अन्य काम IT सॉल्यूशंस भी देती है, उस तरह की कंपनी है। ये जो राजेश जगताप, इसमें एक जो गिरफ्तार किया गया है, ये एक्सपोर्ट का एजेंट है। वो इसी तरह के जो सौदे हैं वो करवाता था पूर्व में, लेकिन धोखाधड़ी से उसने ये सौदा कराया। देखिए, 2 करोड़ से ऊपर की ये राशि है, और इसमें जैसे जैसे अभी आगे विवेचना पड़ेगी और तथ्य आएंगे। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।